सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा जय श्री राम, राधे राधे। अभी कुछ दिन पूर्व हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जिस तरीके से हिंदू आबादी घट रही है, ये दुखद है। झारखंड हाई कोर्ट ने भी अभी आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरीके की घटना घट रही है और आदिवासी भाई बंधुओं की जो संख्या है वो कम हो रही है, उसे लेकर किसी नेता ने नहीं, हाई कोर्ट ने इस पे दुख जताया है और घटती हुई आबादी को एक ऐसा भी विषय है कि जो आबादी घट रही है ये दुखद है। अब मेरा एक क्वेश्चन आप सभी सनातनियों से है, मैं और आप क्या सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचें? मैं भी सोच सकता हूं, आप भी सोच सकते हैं। दूसरा यह है कि हमें हमारे देश के बारे में सोचना है, और अगर हम देश के बारे में सोचेंगे तो हमें इस विषय पे दुख होगा, क्योंकि हमारे पास में आसपास देखिए ना, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे? अगर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा ना दे पाए, सुरक्षित भारत ना दे पाए, तो मुश्किल होगा। आप कहेंगे भारत को क्या प्रॉब्लम है, तो माय डियर आंखें बंद मत करो। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा है, पाकिस्तान में दलित बेटी के साथ जैसा उसके नाक पे चाकू चलाया वहां के लोगों ने, और उसके साथ जो दुष्कर्म किया है, आप इफ यू डोंट बिलीव माय वर्ड्स यू कैन चेक इन इंटरनेट। उसके साथ फिर क्या हुआ वो मैं बोल नहीं सकता, दुष्कर्म उनका स्वभाव है, ग्रुप में आते हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और की बात छोड़िए, हमारे अपने कुछ स्टेट्स में जो कंडीशन है, चाहे बंगाल के लिए लीजिए, झारखंड के बॉर्डर्स को ले लीजिए, और भी कई स्टेट्स हैं। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि नेता लोग भी जो पार्टी बना बना कर चुनाव लड़ लड़कर एमपी एमएलए बनते हैं और मंत्री भी बने हैं कई बार, उन लोगों को भी देश की चिंता नहीं है क्या? वो लोग सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में नहीं? इस देश को आजाद करने के लिए बहुत लोगों ने अपने सर कटवाए हैं, कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं, तब जाके ये स्थिति है। तो हम तो एक ही निवेदन करेंगे, हम तो चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, सनातनी सुरक्षित होने चाहिए, सनातनी ऑलवेज इस देश में सुरक्षित रहने चाहिए। हम दो, हमारे दो, जिसके दो उसको दो, और जिसके नहीं है दो उसके सारे राइट्स काट दो। अगर आप मेरे साथ हैं तो आप भी इस विषय को सोचिएगा और इस बात को उन नेताओं से पूछिएगा, चाहे वो मेरी ही जाति के क्यों ना हो, मैं किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी जाति से ऊपर अगर मैं हूं तो मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, और जब मेरे पास किसी मेरी जाति का नेता है तो मुझे पूछना चाहिए कि आप इस विषय में क्या कर रहे हैं, तभी ये देश सुरक्षित होगा और तभी हम सच्चे नागरिक होंगे। जय हिंद, जय भारत।